इन खबरों के लिए हमारे साथ तआवुन किया है अल उमर फर्नीचर बनाने वालों ने। अल उमर फर्नीचर हाउस, ताजा अल खलीज वन, फारूक आजम रोड, डोक अली अकबर, सादिकाबाद, रावलपिंडी। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर और साबिक वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्ला ने कहा कि 9 मई के टोले को निकालकर पीटीआई से बात करने के लिए तैयार हैं। साबिक वफाकी वजीर राना सनाउल्ला ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 9 मई के टोले को निकालकर पीटीआई से बात करने के लिए तैयार हैं। फर अभी भी करप्शन 2+2 वाला मामला है। पहले भी फर अभी भी की करप्शन सबूत अवाम के सामने रखे। राना सनाउल्ला ने कहा कि इमरान खान को ऊटनी का दूध दें, शहद, हरन या देसी घी मुर्गी दें तो इस पर एतराज़ नहीं। हमारा ये ज़र्फ़ नहीं कि इनकी जेल में अद्वियात और खाना बंद कर दें। हमारा पीटीआई चेयरमैन से सवाल है कि वो कहते रहे जेल में कोई क्लास नहीं होनी चाहिए बल्कि सब क्लास ख़त्म कर देनी चाहिए। इमरान खान अडियाला जेल में देख लें, जो इनके साथ सलूक हुआ वही सलूक दूसरे के साथ भी हुआ। इनका मजीद कहना था कि पार्टी के सदर शहबाज शरीफ ही हैं, नवाज शरीफ पार्टी के कायद हैं, जनूबी पंजाब का जायज़ा लिया, वहाँ अच्छी पोजीशन है, मुस्लिम लीग नून में नए लोग शामिल हो रहे हैं, तमाम हलकों से तगड़े उम्मीदवार खड़े होंगे, हमें उम्मीदवारों की कमी नहीं है, चुनाव में दुश्वारी हो रही है। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ चौधरी शिजात हुसैन से जल्द मुलाकात करेंगे। आसिफ अली जरदारी को अपनी पार्टी का सरबरा होते हुए हक हासिल है। लाहौर के वजीर आजम का रास्ता रोकें और लाड़काना के वजीर आजम के लिए राह अंबार करें। अवाम इलेक्शन में सिंध, लाहौर या खैबर पख्तूनख्वा के हक में वोट दें, हमें कबूल होगा। राना सनाउल्ला ने कहा कि नवाज शरीफ आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, शायद हकान अब्बासी भाई और बेबाक इंसान हैं, वो नून लीग से नाराज़ नहीं हैं, शायद हकान अब्बासी पार्टी से तावन करेंगे। शहादत न्यूज़ से अपनी मेज़बान शैला बासी को एक गुजारिश के साथ दीजिए इजाज़त। हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में आपकी राय का मुझे इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।